हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। ये देखो, आज मैं लेकर आया हूँ ब्लोरेक्स का एक नया कार वॉशर मशीन। इसका मॉडल नंबर है CW130। जो पावर है वो है 2300 वाट्स का मशीन है। तो आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको मैं इस कार को, जो मेरा जो कार बिल्कुल गंदा हो चुका है, इसको मैं वॉश करके बताऊँगा और मैं आपको फुल डिटेल बताऊँगा इसमें कितना पावर है, एक मिनट में कितना पानी लेता है, क्या है, सब कुछ डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ स्पेसिफिकेशन। तो आप वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसा होता है जो आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलता, जो आपको अलग से खरीदना पड़ता है। तो आप जब अनबॉक्सिंग देखते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि मशीन के साथ क्या आता है और आपको क्या क्या अलग से खरीदना पड़ सकता है। तो वीडियो को आप पूरा देखना, आपको बहुत मजा आएगा। इंटरेस्टिंग वीडियो आज होने वाला है। तो मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, तो मैं जल्दी से आपको मैं इसके अंदर का दिखाता सामान अंदर क्या क्या है। ओके, ये देखो, आजकल मशीनें जो है सब वो कॉम्बो पैक में आने लगे। मतलब एक मशीन खरीदो, उसमें आपको फोम कैन वगैरह, माइक्रोफाइबर क्लॉथ, शैम्पू, इस तरह का हर चीज़ें मिलने लगा है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, फोम कैन वगैरह नहीं आते थे। ये मैनुअल बुक है, ये देखो, ये इसको मैं साइड रखता हूँ। और ये देखो, ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो पहले मशीनों में नहीं आते थे, आजकल ज़्यादातर कंपनी वाले मशीन के साथ ही ये सब कपड़े वगैरह देने लग गए। तो आपको टेंशन ना हो कार वॉश करने के लिए, हर चीज़ आपको एक ही बॉक्स के अंदर अवेलेबल हो जाए। एक एक्स्ट्रा बॉक्स दिया सेफ्टी के लिए। और ये देखो, ये है मेन चीज़, ये है फोम केन, जो जिसकी कीमत शायद 1500 से लेकर के 1800 तक का है, जो आपका आजकल आपके मशीन के साथ में फ्री में देता है। ये देखो, ये है फोम केन का ब्रास मटेरियल होता है, इस वजह से ये थोड़ा सा महंगा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका वजन, नहीं तो नहीं 200-250 ग्राम खाली इसका वजन है। ये देखो, ये ब्रास मटेरियल का है और ये इसका फोम केन है, जिससे हम इसको इसके अंदर शैम्पू डालते हैं। ये देखो, ये इस मशीन के साथ पैक के साथ फ्री में आता है, ये बहुत ज़रूरी है इस मशीन के लिए। उसके बाद क्या है, ये जो नॉर्मल गन है जो मशीन के साथ आता है, इसको साइड में रखता हूँ मैं, जल्दी को मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। ओके, ये देखो, ये वाइट कलर का नाइलॉन टाइप का जो पाइप दिया हुआ है, इसमें क्या होता है, ये हल्का लाइट वेट होता है, आपको काम करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है। ये बहुत ही कम मशीन में देता है, पर मेरे को तो ये वाला पाइप बहुत पसंद है। ये मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज़ किया हूँ ये वाइट वाला पाइप, पर वीडियोज जब मैं बनाता तो मशीन के साथ जो वाला पाइप आता है मैं तो वही दिखाता हूँ। बहुत सारा पाइप मतलब मशीनों में वो हाइड्रोलिक पाइप सिस्टम देता है, जो ऐसा हैवी है थोड़ा सा, मतलब काम करने के टाइम थोड़ा हैवी लगता है, जैसे कार के अगर पेंट में भी अगर कभी कभार घिसने का चांसेस रहता है, थोड़ा स्क्रैच आने का चांसेस रहता है, तो थोड़ा दूर से काम करना पड़ता है। पर ये प्लास्टिक वाला, इसमें ऐसा सीन नहीं है, आप इसे इजीली इसको अगर ऐसे घिस भी जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, इसको मैं अभी साइड में रखता हूँ। और ये सोप डिस्पेंसर जो कुछ काम का नहीं है, ऐसा नॉर्मली मशीन के साथ आता है वो, ये बेकार, मैं हर बार वीडियो में ऐसा लेके ऐसा फेंक देता हूँ जो कुछ काम का नहीं है वो बात अलग है कि मैं वीडियो के बाद में वापस से उसको उठा के बॉक्स के अंदर रख देता हूँ ये इनलेट पाइप है और ये एक्सटेंशन रॉड है, ये एक्सटेंशन रॉड, इसको हम खोलेंगे, हम इसको ऐसा लगा सकते हैं। एक्चुअली मैं तो ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं करता, फिर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ऐसा देखो, आप जब आप ऐसा लगाते हो तो ऐसा आपको ये जो गन है ये ऑटोमेटिकली लंबा हो जाता है। देखो, आप इस गन को चाहे तो कितना चाहे उतना लंबा कर सकते हो। इसको अमेजोन पे एक्स्ट्रा रॉड मिलता है, जैसे कि ये कितना है, ये फुट का रॉड है ना ये वाला, तो ऐसा आप बहुत सारा रॉड मिलता है, जो एक मीटर का मिलता है, एक मीटर का कम से कम 10 रॉड लोगे तो 10 मीटर लंबा कर सकते हैं। ऐसा तो ऐसा सिस्टम है, तो अलग से रॉड मिलता है खरीदने के लिए। तो मैं चाहे तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस रॉड का भी, एक्स्ट्रा जो एक मीटर वाला रॉड होता है वो, तो आप वो लगा कि आप कितना लंबा चाहिए उतना आप लंबा ऐसा गन कर सकते हो। और चलो, इसको मैं अभी साइड में रखता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम इसको यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को कार वॉश करने के लिए छोटा वाला गन ही अच्छा लगता है आप अगर कुछ अलग अलग काम के लिए यूज़ करोगे तो बाद में आप उसको यूज़ कर सकते हैं एक्सटेंशन रॉड को ये है शैम्पू, देखो एक पाउच शैम्पू दिया, शायद आप एक बार के लिए यूज़ कर सकते हो। वैक्सपॉल का शैम्पू दिया हुआ है एक बार यूज़ हो जाएगा। चलो ठीक है, ये उतना अवेलेबल नहीं है, छोटा सा शैम्पू दिया है, पर जो भी है एक ट्राई के लिए है वो, ताकि आपको नया मशीन खरीदने के बाद आपको फिर टेंशन लेना ना पड़ जाएगा शैम्पू कहाँ से लूँ, क्या करूँ क्या नहीं ऐसा। और ये फिल्टर वगैरह दिया हुआ है, ये देखो, ये इनलेट पाइप का कनेक्टर है, मैं आपको फटाक से कनेक्शन करके दिखाऊंगा बाद में। मशीन दिखाऊंगा बाद में, ये देखो, ये फोम केन कनेक्ट करने का कनेक्टर है। वाह, ये देखो, ये एक फिल्टर एक्स्ट्रा दिया गया, आजकल मशीनों में डबल डबल फिल्टर देने लगे, अगर ये कभी टूट भी जाए तो आप दूसरा भी आप यूज़ कर सकते हो इस वजह से। ये देखो, ये दो दिया हुआ है, तो एक के साथ एक फ्री दिया है, ये हर मशीन में नहीं देता ऐसा फ्री, पर इस मशीन के साथ दिया हुआ है। ओके, फाइनल हमारा ये मशीन, ये देखो ये ब्लोरेक्स का मशीन, वाह, यहाँ पर तो चमक रहा है। ये मुझे कोटिंग अच्छा लगा, देखो ब्रास कोटिंग किया हुआ है, जो अच्छा चमक रहा है वाला मशीन। इसमें क्या जंग वगैरह पड़ने का चांसेस नहीं है, जंग नहीं लगेगा इसमें। मैं आपको अभी हर तरफ से घुमा के दिखाता हूँ और मैं बॉक्स में क्या क्या लिखा हुआ है ना डिस्क्रिप्शन, वो मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ अभी। ये देखो, मैं आपको पहले बॉक्स का लुक दिखाता हूँ कैसा है, यहाँ पर हर चीज़ लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशन में। देखो,
ये देखो हर तरफ यही लिखा हुआ है, सामने के साइड में शायद कुछ अलग डिज़ाइन होगा। ये देखो ये कार वॉशर का डिज़ाइन दिया हुआ है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या लिखा है। ये देखो ये इसका मॉडल नंबर है, हाई प्रेशर कार वॉशर। ये देखो और ये वर्किंग प्रेशर 130 बार, पावर 2.3 के किलो वाट्स का है, 2300 वाट का है, मतलब वोल्टेज पावर दिखाया है इसमें। और ये वोल्टेज कितना लगता है यूज़ करने के लिए, ये वोल्टेज है फ्लो। ये देखो 10 लीटर यूज़ हो जाएगा पानी एक मिनट के अंदर। और रेटिंग स्पीड 2800 RPM मोटर का स्पीड दिखाया हुआ है। मैक्सिमम टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस। ये देखो और ये मैंने अभी मशीन बाहर निकल के रखा हुआ है, देखो अनबॉक्सिंग। तो मैं अभी कनेक्शन करके बताता हूँ इस मशीन को। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इनलेट पाइप ज्वाइन करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले ये इनलेट ये पाइप लेना है और इसको ऐसा कनेक्शन करना है। देखो ऐसे इनलेट पाइप को ऐसा इसके अंदर ऐसा डालना है, ऐसा इसके बाद में टाइट कर देना है ऐसा। ये ऐसा टाइट हो गया। अब हम इस मशीन में यहाँ पर ऐसा लगाएंगे इसके साथ। ये देखो ये जो फिल्टर है इसके साथ हम इसको ऐसा लगा देंगे यहाँ पर। ये तो ऐसा दो फिल्टर देगा, आप इसको एक्स्ट्रा ऐसा रख सकते हो साइड में। ये थोड़ा ज़्यादा टाइट नहीं करना, ज़्यादा टाइट करोगे तो बाद में वो यहाँ से क्रैक हो जाएगा, कड़क पाइप होता है। और इसके बाद में ऐसा देखो ये ऐसा ऐसा पुल होता है, देखो ये ऐसा, ये देखो आगे पीछे हो रहा है, देखो आपको। तो ऐसा पुल करके इसके अंदर ऐसे डाल देना है। देखो वापस जब आप निकालोगे तो इसका पुल करके ऐसा खींच के खींचोगे तो ऑटोमेटिकली बाहर भी आ जाएगा। ये देखो इसको ऐसे पुल करके ऐसा इसके अंदर डाल दिया, ऐसा कट करके आवाज़ आए इसको छोड़ देना है, बाद में ऑटोमेटिकली लॉक होगा। अभी आप खींचोगे तो भी नहीं निकलेगा, पर वापस इसको जब ऐसे पुल करोगे ब्लू कलर को इसके बाद में ऐसा, ये देखो ये बाहर आ गया। तो ये सिस्टम होता है, ये देखो ये ऐसा लॉक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनलेट में जो फिल्टर दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लगाएंगे। जैसे हमने अगर बाल्टी में अगर पानी लेके यूज़ किया तो हमको ये फिल्टर लगाना कंपलसरी, ताकि बाल्टी के अंदर से कोई ऐसा कचरा ना जाए अंदर। चलो मैं आपको कुछ नया दिखाता हूँ, जैसे वीडियो में आज पहला बार दिखा रहा हूँ ये चीज़ें। जैसे कि बहुत लोगों का कंप्लेन आता था कि भाई ये जो फिल्टर है ये देखो ये पानी में तैरता है ना। जैसे हम इसको लगा देंगे ना, देखो ऐसा हम लगा देते हैं ऐसा, ये पानी में तैरता है, देखो ये डूबता नहीं है, देखो ये देखो ऐसा रह जाता है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इसके मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके अंदर ना खोल सकते हैं हम इसको फिल्टर को ऐसा। इसके अंदर ना कुछ एक नट बोल्ट, बड़ा वाला जो नट बोल्ट होता है वो आप इसके अंदर एक डाल के बाद में इसको ऐसा पैक कर दो। इससे क्या हो जाएगा, नट बोल्ट लोहे का वजन होता है लोहा का, तो हम इसके अंदर इजीली ऐसा डूब जाएगा वो। जब ऐसा डूब के रहेगा ऐसा तो बाद में आपको ऐसा बार बार बाल्टी ऊपर नहीं आएगा, यहाँ से मशीन से बाद में एयर नहीं लेगा, जब एयर नहीं लेगा तो बाद में मशीन सही से काम करेगा। तो दोस्तों अभी इनलेट तो हो गया कनेक्शन, अब मैं आपको दिखाता हूँ आउटलेट का कैसा कनेक्शन करना है। ये अभी निकाल देते इसका जो वायर है, ये देखो ये बिना कट के मैंने निकाल दिया। और ये इसको यहाँ पर लगा देना आउटपुट को, ये देखो ये साइड में ऐसा, देखो जो इनलेट पाइप होता है वो नीचे साइड में होता है, जो आउटलेट का होता है वो ऊपर साइड में होता है। ये देखो ये यहाँ का लेवल देखो यहाँ से है ना, तो ये ऊपर है ये नीचे है, तो नीचे वाले को इनलेट लगाना है हमेशा और ऊपर वाले को ये आउटलेट। इसको आप थोड़ा संभाल के लगाना, अगर इसको आपने अगर गलती से टेढ़ा लगा दिया तो यहाँ पर ऐसे थ्रेड कट हो सकता है। पर ये मशीन में जो ये जो कोटिंग है ना, ये ब्रास कोटिंग बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, वो अच्छा लगा मुझे। चलो ये कनेक्शन हो गया है, अब हम इसमें ऐसा गन फिट करेंगे। ये देखो ये हमारा गन फिट हो गया। ये देखो ये टाइट हो गया। अब इसको हम ऐसे खोल के रखेंगे, क्योंकि यहाँ से जब पानी पहला क्लीन निकलेगा एयर भी निकल जाएगा, उसके बाद हम फाइनली इसको लगाएंगे। ये देखो ये मैंने कनेक्शन कर लिया है, ये देखो मैंने बाल्टी में पानी भरा इसमें और ये मैंने प्रॉपर कनेक्शन किया है, वो फोम कैन है सब मैंने रेडी कर लिया है। देखो ये देखो मशीन मैंने प्रॉपर कनेक्शन कर लिया है। ये लाइट का बोर्ड देखो ये मेरे घर के वहाँ से आया हुआ है, वो देखो वो वहाँ से मैंने तार लेके आया यहाँ तक, यहाँ पर हम वॉशिंग करेंगे। ये देखो और ये हमारी कार है और हमारा यहाँ पर पार्टी चल रही है, ओ सॉरी मजाक कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने मशीन फुल फाइनली कनेक्शन कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नोजल को नहीं लगाएंगे। देखो ऐसे हमने ऐसा गन को दबा के रखना है, उसके बाद नोजल को ऐसे हाथ में रख के बाद में ऐसा उसको चालू कर देना है। देखो जब हम मशीन से चालू करेंगे तो यहाँ से जब क्लियर पानी आने लग जाए, जैसे अभी क्लियर पानी आने लग गया, एयर भी सब निकल गया, उसके बाद हम इसको फाइनली इसको लगा देना है ऐसा। ये देखो जब तक एयर भी प्रॉपर नहीं निकल जाए तब तक उसको ऐसा लगाना नहीं। ये देखो ये लग गया है, अब हम इसको प्रेशर देखेंगे कैसा है। ये देखो प्रेशर, मस्त प्रेशर आ रहा है।
अब हम इस कार को वॉश करेंगे। कार तो बिल्कुल एकदम गंदा हो चुका है, तो अब मैं आपको इसको फोम वॉश करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसके साथ जो फोम कैन आता है उसमें भी देखेंगे कितना फोमिंग होता है कि नहीं होता है, कैसा काम करता है, वो भी मैं आपको फुल ऐसा वीडियो बना के बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप पूरा देखते रहो। चलो तो हम सबसे पहले अभी कार को फुल अच्छे से पानी मार लेते हैं। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। न ठहरेगा कोई आँखों में मेरे, हो ना सकूंगा मैं और किसी का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। देखो ये साइड में कार कैसा गंदा है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो करीब से दिखाता हूँ, देखो पूरा मट्टी भर चुका है, ये देखो। फिर कि कोई गुटखा खा के कार में बैठा, देखो गुटखा खा के देखो बिल्कुल गंदा कर दिया। क्या करें, अभी गांव में आया हूँ तो ऐसा ऐसे आड़े तेरे लोग हैं यहाँ पर कि पूछो मत। गुटखा खा के बिल्कुल मेरे कान को भी गंदा कर दिया, देखो मार्किंग कैसा कर दिया यहाँ पर। ऐसे भी सब क्लीन हो जाएगा। देखता हूँ गुटखा का जो दाग है वो प्रेशर से जाता है कि नहीं। वैसे मार्किंग थोड़ा डल तो हुआ है, पर आपको यहाँ पर घिसना पड़ेगा। देखो मैं प्रेशर से पूरी तरह से 100% क्लीन नहीं हुआ है, तो उसको थोड़ा सा ऐसा शैम्पू मार के उसको घिसना पड़ेगा, हल्का सा हाथ मारना पड़ेगा। दोस्तों तो अब कार को फुल पूरी तरह से पानी मार के हो गया है, अब हम क्या करेंगे, फोम स्प्रे करेंगे कार पे। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, नोजल को निकाल देंगे, और ये जो क्विक कनेक्टर है, ये देखो ये क्विक कनेक्टर जो फोम किन के साथ लगता है, इसको हम इसको यहाँ पर ऐसे आगे ऐसा लगाएंगे, और ये देखो ये ऐसा आगे पीछे होता है, ये देखो ये इस तरह का ऐसा आगे पीछे होता है, देखो आपको दिख रहा होगा क्लियर, ये देखो ये ऐसा ऐसा ये आगे पीछे होता है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको ऐसा इस फोम किन को लेंगे और ऐसा इसको ऐसा खींच के पकड़ेंगे, ऐसा पीछे करके ऐसा, बाद में इसको ऐसा पुश कर देंगे ऐसा, ये देखो ये कनेक्ट हो चुका है। अब ऐसा ऐसा गोल गोल घूमेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या है ना उसमें से बराबर इजीली जो है ना वो फोम निकलेगा, ऐसा उसमें से लीकेज ऐसा खींचने से नहीं आएगा। वापस जब खोलने का रहेगा तो हमको क्या करें, ऐसे सेम ऐसे पीछे तरह ऐसा खींचना है इसको ऐसा, ये देखो ईजिली लूज हो गया, ये एक क्विक कनेक्टर का खासियत है। चलो ठीक है, अब हम क्या करें, इसमें से सबसे पहले हम टायर को मार के देखेंगे फोमिंग निकलता है कि नहीं निकलता है, उसके बाद हम फुल बॉडी पर मारेंगे। सबसे पहले हम टायर को ऐसे अप्लाई करके देखना चाहिए। ऐसा देखो फोम बिल्कुल ऐसा सीधा सीधा निकला, इस वजह से पहले सीधा डायरेक्टली कार पे मारने का नहीं। चलो ये आगे का जो है ना पॉइंट हमको ऐसा एडजस्टमेंट करने को मिलता है ना, अब मैं देखता हूँ कैसा निकल रहा है फोम, अब सीधा निकल रहा है। हाँ अब ठीक है, जब फोम ठीक से निकलने लग रहा है तो अब हम पूरा फुल कार को ऐसा अप्लाई कर देंगे फोम।
तो दोस्तों फोम तो हमने स्प्रे कर दिया है, पर मैं आपको ईमानदार सर्वे बताऊंगा कि यहाँ पर ये जो फोम है उतना गाढ़ा नहीं आ रहा है, स्लाइटली पतला टाइप का फोम आ रहा है, फिर भी इतना बुरा नहीं है, मतलब काम तो चल जाएगा क्योंकि देखो मशीन के साथ फ्री में फोम कैन दे रहा है, तो इससे अच्छा और क्या होगा। तो ऐसा इतना बुरा नहीं है तो काम चल जाएगा। और मैंने अभी दो मिनट ऐसा रुका हूँ ना, तो थोड़ा सा ऐसा शैम्पू जो ना और स्लोली स्लोली कार से ऐसा नीचे गिर रहा है, देखो ऐसा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप तो वीडियो में लाइव देख लिया किस तरह का फोम आ रहा है, मशीन पावरफुल है, बस फोम के थोड़ा सा स्लाइटली फोमिंग क्रिएट कम कर, आपने देखा हल्का सा पतला फोम कर रहा है, पर ऐसे खुद के मतलब पर्सनली उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है फोम के तो ऐसे भी बॉक्स के साथ फ्री में आ रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा ऐसा अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। और ये जो साथ में जो माइक्रोफाइबर कॉलर था, हम इसके साथ अभी पूरा फुल कार को ऐसा अच्छे से कपड़ा मार लेते हैं। ये देखो यहाँ पर किसी ने गुटखा खा के जो थूका था, अभी ये बिल्कुल क्लीन हो गया है वो। ये देखो अभी यहाँ पर बिल्कुल कोई मार्किंग नहीं है, चकाचक हो गया है। फुल कार में अभी पहला पानी मारा, फिर बाद में फोम स्प्रे किया, फिर हमने कपड़ा भी मार दिया, अब हम प्रॉपर पानी मार देंगे और कार देखना बिल्कुल एकदम ऐसा चकाचक क्लीन हो जाएगा। दोस्तों कार बिल्कुल चकाचक हो गया है, अब मैं आपको इसको कार को प्रॉपर ऐसा अच्छे से थोड़ा पोंछ लेता हूँ, कपड़ा मार लेता हूँ, नहीं तो क्या हो जाएगा बाद में वाटर ड्रॉप्स आ जाएगा पेंट पे, इस वजह से मैं थोड़ा कपड़ा मार लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको फाइनल राउंड दिखाता हूँ कार कैसा चमक गया है। और पीछे पता नहीं कुछ तो ऐसा धान सिंचाई करने का मशीन चल रहा है, इस वजह से बैकग्राउंड थोड़ा सा नॉइजी आ रहा है, वो उधर वहाँ पर कुछ मशीन चल रहा है। तो दोस्तों ये देखो कार बिल्कुल एकदम चकाचक हो गया है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आपने तो पहले तो देखा कार कैसा था और अब देखो चमक रहा है। एक्चुअली मैं काफ़ी देर बाद में ऐसा कार वॉशिंग करता हूँ ताकि अच्छे से गंदा हो जाए, मैं आपको प्रॉपर ऐसे वीडियो बना के दिखा सकूँ, इस वजह से मैं कार ज़्यादा मैं वॉश नहीं करता हूँ। ये देखो कार बिल्कुल चकाचक हो गया है, मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से भी दिखाऊंगा बाद में, चमक रहा है। एक्चुअली ऐसे भी तो नया कार है ना, और वॉश किया तो बिल्कुल एकदम चमक रहा है। देखो यहाँ पर कुछ गुटखा का मार्किंग था, सब वो निकल चुका है। देखो मेरा फोटो दिख रहा है इसमें, और देखो मैं कौन सा फ़ोन से शूटिंग कर रहा हूँ, ये देखो ये सैमसंग का फ़ोन है, वो पता नहीं इसमें क्लियर दिख नहीं रहा लगता है, वो सैमसंग नोट 9, इससे मैं अभी शूटिंग कर रहा हूँ। ये देखो सब चमक रहा है एकदम मस्त, ये हमारा गांव का सीन है। ये देखो मैं अभी गांव में फ़िलहाल शूटिंग कर रहा हूँ, और कुछ दिन बाद मैं रायपुर शिफ्ट हो जाऊँगा तो बाद में सब ठीक हो जाएगा। वो देखो वहाँ पर कुछ काम चल रहा है, देखो यहाँ पर कुछ धान फिसाई चल रहा है, देखो वहाँ पर धुआं निकल रहा है उससे, और ये हमारा बैकग्राउंड यहाँ का ऐसा है, हमारा गांव का सीन ये देखो। तो दोस्तों आपने तो देखा मशीन कितना प्रेशर है ना, कितना पावरफुल, आपने तो देख ही लिया, और कैसा परफॉर्मेंस है वो भी आपने देख लिया, और कार भी बिल्कुल एकदम चकाचक क्लीन हो गया है ना। तो आपको अगर ये मशीन खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जा करके खरीद सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।